निजी प्रैक्टिस करने के एवज में जमा होने वाली फीस के मामले में सरकारी डॉक्टरों की नीयत साफ नहीं है। दरअसल सतना में ये मामला सामने आया है। निजी प्रैक्टिस के एवज में 14 साल से डॉक्टरों ने अपनी फीस जमा नहीं की। दरअसल सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट और उनके समकक्ष विशेषज्ञों को अपनी क्लिनिक में निजी प्रैक्टिस करने के लिए संबंधित कर्तव्य स्थल के रोगी कल्याण समिति में एक निश्चित फीस जमा करनी होती है। मगर ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्रैक्टिस से प्रति माह लाखों रुपए कमाने वाले डॉक्टरों ने 14 साल से रोगी कल्याण समिति के मद में एक पाई जमा नहीं की है। जिला स्वास्थ्य समिति के सामने पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सतना जिले में प्रथम और द्वितीय श्रेणी को मिलाकर 108 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि इनके इतर पदस्थ संविदा डॉक्टरों की संख्या 77 है। 108 नियमित सरकारी डॉक्टरों में 35 स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत हैं, जबकि 73 डॉक्टर्स पेरिफेरी यानी ग्रामीण अंचलों के सरकारी अस्पतालों में तैनात हैं। स्वीकृत पदों के मुकाबले डॉक्टरों की पद स्थापना कम है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन के अधीन मिलाकर सरकारी अस्पतालों में 103 डॉक्टरों की कमी है। गौरतलब है कि वर्ष 13 जनवरी 1999 को सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने पर लगी रोक को सरकार ने सशस्त्र हटा दिया था। शर्त ये रखी गई थी कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य सेवाओं में निजी प्रैक्टिस करने के एवज में अपनी पदस्थापना के अस्पताल में पदस्थ सहायक शल्य क्रिया विशेषज्ञ, सहायक वरिष्ठ चिकित्सक को 500 और कोई भी स्पेशलिस्ट या समकक्ष वरिष्ठ चिकित्सक से 1,000 रुपये जमा करने होंगे। हालांकि जिले में पदस्थ सभी को यह फीस जमा नहीं करनी पड़ी। इस पर सवाल उठते हैं।